अरे चचा जो भी काम कर रहे हैं वो इतना पनौती के साथ कर रहे हैं, वो सारा प्रोग्राम फेल हो जाता है। सड़क का उद्घाटन करते सड़क टूट जाती है, किसी टनल का उद्घाटन करते तो पानी भर जाता है। क्या करें, मर जाएं क्या, बताओ। अब आपसे बात कर रहे हैं, कोई नेशनल मीडिया दिखाई दे रहा है यहाँ? अगर यहाँ बीजेपी का एक अदना सा कार्यकर्ता भी होता ना, वो अगर नंगा होकर घूम रहा होता, पूरा राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर उसे कवरेज, लाइव कवरेज दिखा रहा होता। आलम यह है, दुनिया में मतलब भारत में तरह तरह की कंपनियां खोली। कभी आपने देखा कि एक छोटी सी कंपनी खोलने पर उन्होंने 200 करोड़ का प्रचार कर दिया, जैसे हमारा ये संयोजक केजरीवाल करता है। पहले 2016 में इंटरनेट फ्री किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिम लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट पर पहुँच बनाएं। उसके बाद उन्होंने जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर आपने उनको वोट नहीं दिया तो देश पर कब्जा हो जाएगा, किसका, पाकिस्तान का और चाइना का। ऐसी अफीम लोगों को चटा दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ही जनता की आवाज़ उठाती है, बाकी तो अपनी ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कम बैक कर रही है हर जगह, आज दबाई जाए, क्योंकि आज सड़क से संसद तक कांग्रेस उतरी हुई है और जनता की आवाज़ उठा रही है। और पाल की बात को उठाया गया और एक आंदोलन शुरू किया गया। कांग्रेस ने कभी एक धारक वाले से लगाई रामलीला ग्राउंड पे? डिजिटल इंडिया है, है बराबर मानते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन। आप कोई भी बैंक में ट्रांजेक्शन करेंगे उसका डेटा आपके पास मौजूद है, ए टू जेड, चाहे आप 1 रुपये का करो, चाहे 1 करोड़ का करो, 1000 करोड़ का करो। 10 साल इस केस को हो गए जाँच करते करते। भाई ऐसी कौन सी जाँच कर रहे हो, कौन से मंगल ग्रह पर जाके तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या पाताल में जाके तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो? तो तुम्हारी ईडी और दुनिया भर की एजेंसी जो है वो ये बैलेंस शीट चेक नहीं कर पा रही, बैलेंस शीट चेक नहीं कर पा रही, ये इनका आलम है। और ये बता दूं हकीकत क्या है, ईडी का तो सहारा है कि अपोजिशन की किस तरह से आवाज़ दबाई जाए, क्योंकि आज सड़क से संसद तक कांग्रेस उतरी हुई है और जनता की आवाज़ उठा रही है। और जनता की आवाज़ उठा रही है तो इनको जो आगामी राज्य हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कम बैक कर रही है हर जगह, ठीक है। तो इनको मालूम है कि इनके शीर्ष नेतृत्व को डाउन करो तो इनके सारे कार्यकर्ता इनके पक्ष में सड़कों पर उतरेंगे। जो मौजूदा हालत है, जो मौजूदा हालत में जो जनता की मुद्दों की आवाज़ उठाई जा रही है, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होंगे और फिर वही अपनी धर्म की अफीम चटाएंगे लोगों को, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, उसके माध्यम से। तो अभी आपने कहा कि कांग्रेस कम बैक कर रही है, कहाँ कम बैक कर रही है? शानदार रिजल्ट आ रहा है, कर्नाटक में आ रहा है, मध्य प्रदेश में आपने देख लिया महानगर निगम के चुनाव में वहाँ पर किस तरह से हुआ है, ठीक है। 16 में से 5 उन्होंने जीते की जीत में जीत हासिल करी और एक में 1000 वोट से हारी है, ठीक है, और एक में 200 के अंतराल से वोट हारा है। तो कुल मिला के जो जहां हम कभी नहीं जीते थे वहां पर अब कांग्रेस ने वहां पर कमबैक किया। तो इस तरह भी तो है, जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता था जो विधानसभा में, वहां वो पिछड़ती नजर आ रही है, उस पर भी वहां पर बहुत कम मार्जिन से वो हारी है, बहुत कम मार्जिन। अब सोचिए कि ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी के सारे संगठन, चाहे वो चड्डीधारी संगठन हो, चाहे सरकार हो, आयुक्त प्रशासन, उनका सब कुछ, उनका वहां पूरी ताकत लगा रहे, पूरी ताकत, पर जिस इतनी बड़ी ताकत वहां लगा रहे हैं कि वहां से चुनाव था उसको भी उन्होंने प्रभावित किया है, उनके होते हुए भी वो कम मार्जिन से हार रही है। तो इसका मतलब लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ही जनता की आवाज़ उठाती है। बाकी तो आप देख लीजिए देश का क्या गर्त हो रहा है, रोजगार, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पहुँच चुकी है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद ये स्पेस को क्रॉस करके मंगल ग्रह पहुँचने वाली है, वो ऐसा मुद्दा हो जाएगा। अग्निवीर सेना में आप देख रहे हैं पिछले 4 साल में केवल 40,000 ही भर्ती हुई है, ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हर साल जो है 55 से 60,000 तो बंदे रिटायर ही होते हैं। तो इसके तरह से देखा जाए तो हर साल हमें 55 से 60,000 सेलेक्ट करने वाले हो, जिससे भी आपने देखा तो उसके हिसाब से अब जो सिलेक्शन है बहुत कम हो गया। तो कहीं ना मिला के हमारी सेना प्रभावित हो रही है और दूसरी तरफ हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। उद्योग का मतलब छोटे और मंझोले उद्योग इस तरह से GST ने सबको प्रभावित कर दिया है। जो स्लैब है उसकी 5, 12, 10, 12, 18, 28 जो भी स्लैब है वो कहीं ना कहीं हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये एक महापुरुष थे, एक महामानव थे, वो 2014 से पहले कहते थे जिस देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है रुपया उसका कमज़ोर होता है। तो आलम यह है कि आज रुपया तो सबसे ज़्यादा सातल में पहुँच चुका है, जिक्र कहीं नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो मोदी जी की कृपा से हो रहा है। हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वही कैसे महामानव है जो दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, अवतार मान लीजिए, उन्हें सिर्फ अवतार है वो भारत के लिए, ठीक है। अगर आपने उनको वोट नहीं दिया तो देश पर कब्जा हो जाए, किसका, पाकिस्तान का और चाइना का। ऐसी अफीम लोगों को चटा दी गई है और यह अफीम चटाई है लगातार 8 सालों से राष्ट्रीय मीडिया में बैठे हुए जो दलाल पत्रकार हैं उनके द्वारा, प्रिंट मीडिया में जो तरह तरह के अखबार हैं, जो तरह तरह के अखबार विज्ञापन देते हैं उनके द्वारा, और जो व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है इनका IT सेल के द्वारा, इस तरह से यानी कि हर जिला, हर ब्लॉक अध्यक्ष, हर गाँव, हर पंचायत में ये खबर धड़ाधड़ पहुँचाई जा रही है। पहले 2016 में इंटरनेट फ्री किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिम लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट पर पहुँच बनाएं। उसके बाद उन्होंने जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है वो आज एक हर एक भारत का हर एक आदमी जानता है कि मतलब झूठी खबरों को भी सच मान रहा है, वो इस बात पर यकीन कर रहा है कि अगर मोदी जी नहीं जीते तो देश में, ठीक है, उनका राज आ जाएगा। मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, यानी कि उसके लिए रोजगार कुछ नहीं है। घर में कमाने वाले 5 थे, आज 5 में से 4 घर पे बैठे हैं और 1 कमा रहा है। तो जो 1 कमा रहा है उसको देख के बड़े खुश होने की मोदी जी की वजह से आपको नौकरी मिली, वरना भी खाली बैठते। यानी कि सोच देखिए, जिस घर में 5 को रोजगार मिलना चाहिए था आज 1 को रोजगार मिल रहा है। आप इस सोच के लिए कह रहे हैं जो, लेकिन जो सत्ता में लाई है जो मोदी सरकार को या भाजपा सरकार को, वो यही जनता है, बिल्कुल। तो ये क्या एक तरह से ये विपक्ष जो है, ये इसकी विफलता भी तो इसमें साफ नजर आती है। हमारी एक अच्छी खास बात है कि हम ना दिल से बहुत ज्यादा सेंटी होते हैं, सेंटीमेंट हमारे बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। आपने
आपने देखा होगा 2019 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी की पॉपुलरिटी 37% तक पहुंच चुकी थी, 37%। तो कहीं ना ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कम बैक कर रही है, राहुल गांधी की पॉपुलरिटी बढ़ रही है युवाओं के अंदर, कांग्रेस इतनी सीटें गेन कर रही है। अचानक ही भारत में एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें हमारे 42 जवान मारे जाते हैं। याद कीजिए 2019 का 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाला, पूरा देश शोक में आ गया। अब करें तो करा क्या, इन्होंने फिर खेला कि अब स्ट्राइक करेंगे हम, सर्जिकल स्ट्राइक। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद राजस्थान में बोलते हैं मैं देश झुकने नहीं दूंगा, हंस के स्माइल के साथ। तो देख रहे हैं किस तरह से लोगों के दिलों के साथ, उनके दिमाग के साथ खेला जाता है। ये डर्टी पॉलिटिक्स है जो अपने निम्न तक स्तर तक पहुँच चुकी है। इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय राजनीति कहाँ तक रसातल में जा चुकी है, पतन है। और इस पतन को उठाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, क्योंकि जब जब देश पर आफत आई है विपक्षी पार्टी के द्वारा, जो उन्होंने टेंशन क्रिएट की है, जो उन्होंने जो पंगे क्रिएट किए हैं, उसको उठाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर आई है। कांग्रेस ने जब भी कम बैक किया उसे देश अच्छी हालत में नहीं मिला। याद कीजिए 47 वाला दौर कांग्रेस का दौर था जब कैसी देश उनको किस हालत में मिला था। फिर अब याद कीजिए 78 का दौर जब ये मोरारजी देसाई जनता दल जैसे टटपुंजियों ने एक सरकार बना ली थी। और फिर याद कीजिए फिर 89 के बाद का दौर जब राजीव गांधी की सरकार हटी, और फिर 92 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, उसके 3 सालों के अंदर देश की स्थिति क्या हो गई थी। केवल 7 से 10 दिन का ही हम बाहर से एक्सपोर्ट कर सकते थे, आलम यह था। कांग्रेस आई, LPG लेकर आई, रिफॉर्म किया, वर्ल्ड बैंक से ले, IMF के पास गई। तो ये मैंने देखा हुआ है और ये बताने के लिए भी है कि जब जब देश में आफत आई है तब तब कांग्रेस ने कमबैक किया है। अब अटल बिहारी का कार्यकाल ले लीजिए, उनके कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ और एक युद्ध कम से कम 7 साल हमारी अर्थव्यवस्था पीछे कर देता है। उनके टाइम में संसद का अटैक हुआ, अक्षरधाम पर हुआ, दुनिया भर के अलग-अलग दंगे भी हुए, ठीक है, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फिर 2004 में जनता ने फिर से मन बनाया और कांग्रेस की वापसी की। और 2008 में जब पूरी दुनिया में महामंदी थी तो अब वो दौर उठा के देखिए ना, 2008 में देखिए जब ये मनमोहन सिंह की रणनीति कि पूरी दुनिया पूरी महामंदी से जूझ रही थी, लेकिन भारतीय इकोनॉमी पर रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि भारतीय इकोनॉमी है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ प्राइवेट भी है और निजी भी है और सरकारी साख भी है। सरकारी साख तो माशाल्लाह बची नहीं, हमारे महामानव ने रात दिन 18-18 घंटे काम करके महारत्न हो नवरत्न हो सारी कंपनियों को दे मारा। और प्राइवेट सारा रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो वो भी अब जी रहे हैं, वो हवा जो ले रहे हैं उस पर भी टैक्स बहुत जल्दी लग जाएगा। बाकी छाछ दूध पानी दही लस्सी कफन अट्टा पट्टा जो भी है सब पे टैक्स लग चुका है, यानी कुल मिला के डिजास्टर। और हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था मैसिव सुनामी, और वही हाल हो रहे हैं। आपने इतिहास का जो बताया 2004 से 10 से पहले का, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2014 में लोगों ने मन बदल लिया? ज़रूर कोई ना कोई तो कमियां रही होंगी, कोई ना कोई खामियां रही होंगी, तभी लोगों ने जो है सरकार बदलने का निर्णय। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कांग्रेस ने कभी भी किसी सरकारी संस्था या संवैधानिक संस्था हो या गैर संवैधानिक संस्था उस पर कभी जोर नहीं बनाया, ना कभी मीडिया में कोई इंटरफेयर किया। वरना आप उठा के देखिए 2014 से पहले इसी मीडिया को ये भूत और प्रेत की खबरें दिखाया करते थे, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसी कहानी चलाया करते थे। याद कीजिए वो दौर, हम जब स्कूल जाते थे हम देखते थे कैसे ज्वालामुखी फटता हुआ दिखा रहे हैं, दुनिया ऐसे खत्म होगी, ये उनका दौर था। रत्ती भर भी इनको पैसा नहीं मिलता था सरकार की तरफ से, तो इनका आलम ये था। तो कभी मीडिया में दखलंदाजी नहीं करी और कभी भी प्रिंट मीडिया को ये नहीं कहा कि आप हमारा प्रचार कीजिए। दुनिया में मतलब भारत में तरह तरह की कंपनियां खोली, कभी आपने देखा कि एक छोटी सी कंपनी खोलने पर उन्होंने 200 करोड़ का प्रचार कर दिया जैसे हमारा ये संयोजक केजरीवाल करता है? कभी नहीं किया। और रही बात अन्ना हजारे, ये जो प्रोडक्ट है ठीक है, जो वेरी वेल प्लान्ड एक अन्ना हजारे को लाया गया और किस तरह से एक लोकपाल की बात को उठाया गया और एक आंदोलन शुरू किया गया। कांग्रेस ने कभी 144 से लगाई रामलीला ग्राउंड पर? अगर धारा 144 से लगा देती तो आज ये सरकार में होते नहीं? होते। छोटी छोटी बातों पर ये नंगे होकर घूमते थे, सिलेंडर उठा के भागते थे रोडों पर। याद कीजिए वो दौर, कांग्रेस अगर चाहती तो 144 लगा के इनके डंडे तोड़ते इनके ऊपर, लेकिन आज हमें देखो अपने ऑफिस भी जाने नहीं दिया जा रहा, सड़क पर आते 144 लग जाती है, संसद में जाते तो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, घर से बाहर निकले तो पुलिस आके हाउस अरेस्ट कर लेती, करें तो करें क्या, मर जाएं क्या? अब आवाज भी ना उठाएं अपने नेता के लिए, बोल दो GST जो आटे दाल पे भी GST बोल दिया, क्या करें, मर जाएं क्या? बताओ, अब आपसे बात कर रहे हैं कोई नेशनल मीडिया दिखाई दे रहा है यहाँ? अगर यहाँ BJP का एक अदना सा कार्यकर्ता भी होता ना, वो अगर नंगा होकर घूम रहा होता पूरा राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर उसे लाइव कवरेज दिखा रहा होता। आलम यह है, आप इस अंदाज़ा लगा लीजिए कि आम आदमी कितना परेशान है, उसके मुद्दे तो गायब ही हो गए, रसातल में चले गए। क्यों? क्योंकि उसे धर्म का अफीम ऐसा चटा दिया गया है ना, ऐसा चटाया गया है कि बेटा इसे खातर अगर जहाँ भी तूने रोज़गार मांगा तू खत्म, ठीक है। आज आलम ये हो गया है, गांव हो शहर हो मुसलमान दूसरी कॉलोनी से नहीं जा सकता और हिंदू इनकी कॉलोनी से नहीं जा सकता, ऐसा आलम क्रिएट कर दिया है। क्यों? वो भी 21वीं शताब्दी में 2022 में, अरे जब पूरी दुनिया चांद पर मंगल पर घर बनाने की बात कर रही है, विज्ञान और तकनीक की बात हो रही है, तरह तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, तरह तरह की खोज हो रही है, और हम कहाँ लटके हुए हैं? मंदिर मस्जिद पर? शर्म वाली बात है, 2014 में जब कांग्रेस छोड़कर गई थी तो हम मंगल ग्रह की बात कर रहे थे, हमने मार्स छोड़ दिया था कि वो मार्स ऑर्बिटर होता है ठीक है, उस पर हमने छोड़ दिया। आज देख लीजिए कहाँ है, पता है कुछ? अरे चचा जो भी काम कर रहे हैं वो इतना पनौती के साथ कर रहे हैं, वो सारा प्रोग्राम फेल हो जाता है,
सड़क का उद्घाटन करते सड़क टूट जाती है, किसी टनल का उद्घाटन करते तो पानी भर जाता है, ठीक है, और अगर किसी देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो लाखों लोग कोरोना में मर जाते हैं, टीका लगवाते हैं तो उसका प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपए का अनाज देते हैं तो उसके थैले पर अपनी फ़ोटो छुपा के देते हैं, और करें तो करें क्या बताओ। तो कुल मिला के ये है जागने की बात है और कांग्रेस कमबैक कर रही है। ये एक जो सैलाब देख रहे हैं ना रोडों पर, ये सैलाब ऐसा नहीं है, ये सैलाब है, ठीक है, आवाज़ का बदलाव का, हवा बदल रही है, अब हवा बदल रही है, ठीक है, और ऐसी हवा बदल रही है कि 2024 में चचा गायब, लैंडिंग वापस जहाँ से आए थे ना वहीं होने वाली है। तो बड़ा दावा कर रहे हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आए हुए थे, इन्होंने बोला है कि 2024 में जो है मोदी सरकार गायब हो जाएगी। अब हम वहाँ उस तरफ बढ़ेंगे, ईडी क्या कहते हैं कांग्रेस दफ्तर जो मुख्यालय है उसके बाहर यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद हैं, हाथ में कांग्रेस का जो है झंडा लिए हुए हैं और हाथ में कुछ बैनर्स भी लिए हैं, कुछ भागते भी नज़र आ रहे हैं, पुलिस द्वारा उन्हें डिटेन भी किया जा रहा है। हम अभी वहाँ चल के आपको दिखाएंगे और वहाँ जो लोगों को डिटेन किया जा रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है।